राखी सावंत ने कल ही अपना वेडिंग अनाउंस किया, यानी कि कल ही राखी ने हम सबको बताया कि उन्होंने बॉयफ्रेंड आदिल के साथ निकाह कर ली है। और अब ये खबर आ रही है कि राखी के पति यानी कि आदिल ने इन सबको फेक बताया है और राखी की शादी अब टूटने के कगार पे है। क्या है पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10 साल राखी सावंत बिग बॉस के घर में थी। जैसे ही राखी सावंत बिग बॉस मराठी से बाहर आई, वो एक लाइव सेशन रखी और उन्होंने उस लाइव सेशन में अपनी माँ का हाल बताया। और फिर कुछ दिन के बाद राखी सावंत ने यानी कि कल राखी ने अपने सोशल मीडिया पे अपनी और आदिल के निकाह की फोटो और कुछ वीडियो भी शेयर की। इसमें प्रॉपर दोनों का कोर्ट मैरिज हुआ है, दोनों ने निकाह भी किया है और खबरें आ रही है कि राखी सावंत ने अपना नाम भी चेंज कर लिया है। राखी सावंत ने अपना नाम राखी से फातिमा रख लिया है। और अब ये खबर आ रही है कि राखी सावंत के पति ने इन सब को फेक बताया है। इतना ही नहीं, राखी सावंत के भाई ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू भी दिया। राखी सावंत ने भी मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया और इसमें कहा गया है कि इसमें बताया गया कि रितेश के बाद अब आदिल ने भी राखी सावंत को धोखा दिया है। राखी का कहना है कि जब राखी बिग बॉस के घर से बाहर आई तो तब उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और राखी का कहना है कि उनसे आदिल ने कहा कि ये सब चीज़ छुपा के रखे। उनका कहना है कि दोनों ने 7 महीना पहले ही शादी कर लिया था। आदिल ने कहा था कि तुम 1 साल तक इस शादी को छुपा कर रखो, उसके बाद अनाउंस कर देंगे। लेकिन राखी जब बिग बॉस के घर से बाहर आई तो उन्हें कुछ ऐसा मतलब कुछ डाउटफुल लगा। राखी का कहना है कि बिग बॉस के मराठी की एक्ट्रेस जो है उनके साथ ही आदिल का अफेयर चल रहा था, जो कि राखी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सोशल मीडिया पे सब पोस्ट कर दिया। यानी कि उन्होंने दुनिया को बता दिया है कि उन्होंने आदिल के साथ निकाह कर लिया है। अब राखी सावंत ये भी कहती है कि अभी फिलहाल उनकी माँ काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, तो उनका जो फोकस है वो सब उनकी माँ पे है। बस एक बार माँ ठीक हो जाए, उसके बाद वो आदिल से भी निपट लेगी। इतना ही, राखी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि उन्हें उनका आदिल ज़रूर वापस मिलेगा। आपको बता दें कि बिग बॉस 15 में भी राखी ने अपनी पहली शादी की अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने बताया था कि बिजनेसमैन रितेश से उन्होंने शादी कर ली, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद दोनों की शादी टूटने की खबर आई। और फिर कुछ ही दिन बाद राखी सावंत आदिल को डेट कर रही थी और अब ये सब खबर आ रही है कि राखी ने 7 महीने पहले ही आदिल से शादी कर लिया। वेल, हम उम्मीद करते हैं कि आदिल और राखी के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इन सब पे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गपशप। तो